हेलो फ्रेंड्स, मैं एस के सैनी या मैं आईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे देशी बैंकर्स एवं आधुनिक बैंक में अंतर। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा देशी बैंकर्स एवं साहूकार महाजन में अंतर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, यह देशी बैंकर्स और आधुनिक बैंकर्स में, कुछ हमने चार्ट बना करके तैयार रखा है। तो इसमें देख सकते हैं अंतर का आधार है, यहाँ पे देशी बैंकर्स, यहाँ पे हम आधुनिक बैंकर्स लिख दिए हैं। तो पहला देख सकते हैं संगठन के आधार पर देशी बैंकर्स एवं आधुनिक बैंकर्स में अंतर को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं देशी बैंकर्स, इनका संगठन व्यक्तिगत या पारिवारिक होता है, यानी जो देशी बैंकर्स है वो साहूकार महाजन का एक सुधरा हुआ रूप है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो इनका ऑर्गेनाइजेशन संगठन होता है वो व्यक्तिगत या स्वयं के द्वारा स्थापित होता है, या अपने परिवार के द्वारा स्थापित होता है, या अपने सगे संबंधियों के द्वारा स्थापित होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि संगठन के आधार पर अंतर का जब जिक्र करते हैं तो ये देशी बैंकर्स का जो संगठन होता है व्यक्तिगत या पारिवारिक या रिश्तेदारी का होता है। ये देख सकते हैं आधुनिक बैंक क्या होता है, ये संयुक्त स्कंध पूंजी के रूप में होता है, जिसको हम ज्वाइंट स्टॉक बोलते हैं। संयुक्त पूंजी मतलब इसमें बहुत सारे लोगों का इसमें पूंजी एकत्रित होता है। जैसे हमने बताया था कि ये भी जमा स्वीकार करता है और ऋण प्रदान करता है, दोनों काम करता है। लेकिन ये भी क्या करता है, ये जमा स्वीकार करता है और ये भुगतान प्रारंभ ऋण देने का काम करता है। लेकिन ये जो जमा करने की इसकी जो क्षमता है असीमित है, यानी चाहे जितने भी लोग इससे जुड़ सकते हैं और इसमें अपनी जमाएँ मतलब जमा कर सकते हैं, लेकिन इसमें जमा करने का जो क्षमता है कम होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संयुक्त स्कंध पूंजी यानी ज्वाइंट स्टॉक के रूप में ये आधुनिक बैंक का संगठन है, और यहाँ पे व्यक्तिगत या पारिवारिक या रिश्तेदारी तौर पे यह संगठन है। तो ये डिफरेंस हमने देखा, यानी पारिवारिक और रिश्तेदारी और व्यक्तिगत आधार पे देशी बैंकर्स की स्थापना की जाती है, यह संयुक्त पूंजी के रूप में यानी काफ़ी लोगों के पूंजी के रूप में इकट्ठा किया जाता है, स्थापित किया जाता है। दूसरा है पूंजी की मात्रा, देशी बैंकर्स के पास यानी इनके पास बैंकों की अपेक्षा, जो कमर्शियल बैंक है उनकी अपेक्षा इनके पास पूंजी कम होता है। यानी हम कह सकते हैं देशी बैंकर्स के पास पूंजी की जो संख्या होती है, पूंजी की जो मात्रा होती है, वो कमर्शियल बैंकों की अपेक्षा कम होती है। और इन कमर्शियल बैंकों की बात करते हैं तो इनके पास पूंजी की मात्रा बहुत अधिक होती है, अधिकतम पूंजी होती है इनके अपेक्षा, इनके पास कई गुना अधिक पूंजी होती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर पूंजी की मात्रा के आधार पर डिफरेंस करते हैं तो देशी बैंकर्स के पास पूंजी कम होती है और आधुनिक बैंकर्स के पास पूंजी बहुत ज्यादा होती है। तीसरा आप देख सकते हैं कि पूंजी के स्रोत यानी रिसोर्सेस, यानी बैंक के पास कैपिटल का रिसोर्स क्या है, मतलब धन आने का स्रोत क्या है। तो यहां पर हम देख सकते हैं इनकी अधिकांश पूंजी, जो देशी बैंकर्स हैं इनकी अधिकांश पूंजी सगे संबंधियों की होती है। जैसे मैंने बताया व्यक्तिगत आधार पे या मतलब परिवार के आधार पे या सगे संबंधियों के आधार पे, तो ये उन्हीं का पूंजी जमा करते हैं जो इनके बहुत खास होते हैं, इनके रिश्तेदार होते हैं, इनके सगे संबंधी होते हैं, उन्हीं का जमा स्वीकार करते हैं। क्योंकि इनके पीछे कोई न कोई व्यवसाय होता है, व्यवसाय के द्वारा इनके पास पूंजी आता रहता है और ऋण देने का काम करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि देशी बैंकर्स के अंतर्गत जो पूंजी के स्रोत हैं खास इनसे रिलेटेड लोगों के ही द्वारा जमा स्वीकार करते हैं। तो इनकी अधिकांश पूंजी सगे संबंधियों और रिश्तेदार या अपने परिवार के द्वारा स्थापित होता है, लेकिन इनकी अधिकांश पूंजी जनता के जमाओं पर निर्भर करता है। यानी जो कमर्शियल बैंक हैं इनमें अधिकतर पूंजी जनता के द्वारा जमा पूंजी के रूप में ही होता है, यानी प्राप्त होता है। यानी बैंकों में जो व्यक्ति हैं अपनी छोटी छोटी जमा को सेविंग अकाउंट के माध्यम से, बचत खाता के माध्यम से इस बैंक में डिपॉजिट करता है, जमा करता है। तो आप देख सकते हैं कि बैंक अपने CRR के आधार पे, अपनी जमा के आधार पे
ही बैंक व्यक्ति को फाइनेंस करता है। जितना ही जमा इसके पास ज्यादा होगा, मनी सप्लाई मुद्रा की पूर्ति बैंक उतना ही ज्यादा करेगा। यानी बैंक के पास कैश की मात्रा जितना ही ज्यादा होगा, बैंक मनी सप्लाई जितना ही ज्यादा करेगा, मुद्रा की पूर्ति उतना ही ज्यादा करेगा। तो हमने देखा देशी बैंकर्स यानी इससे सगे संबंधी और जनता की इसमें पूंजी होती है। व्यवसाय की बात करते हैं, ये बैंकिंग के अलावा अन्य व्यवसाय भी करते हैं। यानी जो देशी बैंकर्स होते हैं वो बैंकिंग के अलावा अन्य व्यवसाय करते हैं, जैसे वो आढ़तियों का काम करना, फसल को खरीदने का काम करना, खेत को रहन रखना, या बड़े दुकानदार के रूप में काम करना, या कोई न कोई उनका व्यापार होता है। इस तरह से इनके पास इनकम का एक स्रोत होता है, आय का एक स्रोत होता है, जो ऋण पे जरूरतमंद व्यक्तियों को देने का काम करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि अधिका इनकी जो ये बैंकिंग के अलावा अन्य भी व्यवसाय करते हैं, लेकिन ये केवल बैंकिंग व्यवसाय करते हैं। जो कमर्शियल बैंक है या आधुनिक बैंक है वो केवल बैंकिंग का काम करते हैं, बैंक के साथ कोई अन्य प्रकार का किसी प्रकार का कोई व्यवसाय नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम देखें व्यवसाय के आधार पर अगर डिफरेंस देते हैं तो देशी बैंकर्स और ये अपने व्यवसाय पर आधारित हैं, ये इनका केवल बैंकिंग व्यवसाय होता है। नेक्स्ट देखते हैं शाखाएं। देसी बैंकर्सों की शाखाएं विस्तृत नहीं होती है, प्रायः एक ही होती है, एक ही जगह पे होती है। कभी कभी क्या होते हैं, ये अपना लेन देन विभिन्न स्थानों से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी जो इसका मालिक है वो अपने घर पे खोल रखा है, उसकी दुकान कहीं और है, वो बोल सकता कि जाओ वहाँ से इतना पैसे तुम ले लेना या वहीं पे जमा कर देना, क्योंकि इनके व्यवसाय बिखरे होते हैं, मतलब कई जगह पे स्थापित होता है, तो कहीं से भी ये लेन देन करने का भी काम कर सकते हैं। लेकिन इनकी शाखाएँ क्या होती हैं, इनकी शाखाएं नहीं होती हैं, यानी देसी बैंकर्स की कोई शाखा नहीं होता है, और इनकी शाखाएं देश विदेश में भी फैली जाती है। जैसे मान ली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसी देवरिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कई शाखाएं हैं। आप देख सकते हैं आपके कई देशों में, अभी बगल का देश जो पड़ोसी देश नेपाल है, नेपाल में भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाएं आपको मिल जाएंगी। विदेशों में भी शाखाओं की संख्या इसकी सबसे अधिक है। इस तरह से हमसे देख सकते हैं कि शाखाओं के दृष्टिकोण से स्टेट बैंक नंबर एक पे है, और इनकी शाखाएँ अपने देश के अतिरिक्त दूसरे देश में भी फैली होती है, लेकिन इनकी शाखाएँ नहीं होती हैं। नेक्स्ट है ऋण। ये किसानों, कारीगरों, छोटे व्यापारियों, श्रमिकों आदि को ऋण देते हैं। ये जो देसी बैंकर्स होते हैं, छोटे कारीगर श्रमिक, जो गांव में ग्रामीण जनता के रूप में जो गांव में कोई न कोई व्यवसाय करता है उन्हीं को ऋण देता है। तो गांव में क्या होगा, किसान होगा, छोटे मोटे कारीगर होंगे, छोटे मोटे व्यापारी होंगे, श्रमिक होंगे, ये आदि को ऋण देने का काम करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये किसानों, कारीगरों तथा व्यवसायी के अलावा बड़ी फर्मों तथा कंपनियों को ऋण देने का काम करते हैं। यानी कमर्शियल बैंक जो है, आधुनिक बैंक है, जो व्यापारिक बैंक हैं, वो क्या करते हैं, किसानों, कारीगरों, बड़े व्यवसायियों, बड़े फर्मों एवं कंपनियों आदि को ऋण देने का काम करता है। यानी जिस स्तर के लोग चाहें उस स्तर के लोगों को ये शॉर्ट पीरियड और मिड पीरियड, अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण देने का काम करता है। ये तो जमीन के आधार पे लॉन्ग पीरियड के लिए भी फाइनेंस करते हैं, दीर्घकालीन भी ऋण देते हैं, लेकिन आपकी जमीन को गिरवी रखवा लेते हैं। नेक्स्ट है चेक की सुविधा। यानी देसी बैंकर्स के अंतर्गत चेक यानी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट से संबंधित किसी भी पत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं जो देसी बैंकर्स होते हैं वो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट साख पत्र का प्रयोग नहीं करते हैं, ये चेक का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं चेक की सुविधा, यानी इनमें चेक के द्वारा पैसे निकालने या पैसे जमा करने की कोई सुविधा नहीं है। लेकिन क्या है, आधुनिक बैंक के पास जितने भी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे चेक हुआ, प्रमोशनरी नोट हुआ, ड्राफ्ट हुआ, हुंडी हुआ, इस तरह के बहुत सारे ऐसे क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट हैं जिनका बैंक, आधुनिक बैंक उसका प्रयोग करता है, उसके अंतर्गत रुपए लेन देन करता है, उसको भरना बुनाने का भी काम करता है। तो हम कह सकते हैं बैंक चेक, ड्राफ्ट और अन्य क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट आदि का सुविधा प्रदान
करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि आधुनिक बैंक और देशी बैंकर्स में भी एक डिफरेंस रहा। कार्य प्रणाली, जो देशी बैंकर्स की कार्य प्रणाली होती है बहुत सरल होती है, क्योंकि 24 आवर कभी भी किसी भी समय हम बिना पेपर, बिना कागजी कार्रवाई या बिना किसी इंस्ट्रूमेंट्स या किसी जमानत आदि के आधार पे हम इनसे ऋण प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये बड़ा व्यवहारिक होता है, इन पर इनकी जो कार्य प्रणाली होती है बहुत सरल होती है और इनकी कार्य प्रणाली कागजी तथा जटिल होती है। जो कमर्शियल बैंक है, जो व्यापारिक बैंक है, जिनमें हमारे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और सभी प्रकार के खाते खुले जाते हैं, उसकी जो कार्य प्रणाली थोड़ा सा जटिल। अगर उससे फाइनेंस प्राप्त करना है तो आपको आयकर रिटर्न दीजिए, आप अपना आधार कार्ड दीजिए, अपने पासबुक की कॉपी दीजिए, आप 10 पन्ने का चेक दीजिए, आप कचहरी से आप स्टैंप लिखवा करके दीजिए, 4 गो 2 गो गवाह दीजिए। तो बहुत सारी इसमें फॉर्मेलिटीज है, आपकी कितनी क्राइटेरिया है, क्या आपका इनकम का स्रोत है, आपकी जो प्रॉपर्टी कितना है, मतलब आपका बेस क्या है। तो सारे का आकलन करने के बाद हफ्ता दिन 15 दिन लग जाता है इन बैंकों के द्वारा फाइनेंस करने में, क्योंकि कागजी कार्रवाई की प्रक्रिया इनकी थोड़ी जटिल होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं देशी बैंकर सरल होते हैं और इनकी जो प्रक्रियाएं थोड़ी सी जटिल होती है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं आरबीआई का नियंत्रण, जो अंतर का आधार आरबीआई का नियंत्रण, यानी हम कह सकते हैं देशी बैंकर्स के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई नियंत्रण नहीं होता है। यानी देशी बैंकर्स के द्वारा नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो रूल है, जो एक्ट है, वो देशी बैंकर्स पे लागू नहीं होता है। लेकिन क्या है, इन पर आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, डायरेक्ट कंट्रोलिंग होता है। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आदेश के आधार पे ही कमर्शियल बैंक अपना व्यापार करेंगे, रुपए का लेन देन करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट वो तय करता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में इससे और इसके बीच में ही आप रख सकते हैं, उससे ना अधिक रख सकते हैं ना उससे आप कम रखते हैं। आरबीआई की जितनी भी गाइडलाइंस है इनको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन देशी बैंकर्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित किसी प्रकार को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कार्य के घंटे, कार्य का कोई निश्चित घंटा नहीं होता, यानी देशी बैंकर्स में कार्य करने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। वो 24 आवर संडे मंडे या जो भी आपके 7 डेज होते हैं, 7 दिन होते हैं, 24 घंटा होते हैं, यानी 24x7 हम कह सकते हैं ये वर्क करते हैं। इनमें किसी प्रकार के कोई कार्य प्रणाली का, कोई समय का, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो इस तरह से देखें कार्य के घंटे इसका निश्चित नहीं होता, लेकिन इनकी कार्य अवधि निश्चित होती है। कमर्शियल बैंक की जो कार्य अवधि होती है उसकी मतलब निश्चित होती है, यानी अगर 10 से 4 बैंकिंग आवर है तो 10 से 4 के बीच में ही आप कस्टमर का काम हो सकता है, अन्यथा नहीं। अगर संडे को छुट्टी है अगर तो आप बैंकिंग से संबंधित कोई काम नहीं होगा। और सरकार के द्वारा कोई आदेश आता है कि आज बैंक बंद रहेगा, कोई त्यौहार है, कोई होली है, दीपावली, दशहरा है, इनमें आप बैंक नहीं बंद होगा, बैंक बंद होगा, तो फिर क्या है, इस बैंक को बंद कर दिया जाता है। लेकिन देशी बैंकर्स से संबंधित जितना त्यौहार हो, कुछ भी हो, किसी भी परिस्थिति में इनका बैंक खुला होता है और ये लेन देन करने का काम करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा बहुत सारे अंतर है, आप समझ गए होंगे देशी बैंकर्स और आधुनिक बैंकर्स में क्या डिफरेंस है। आज हमने इसको पढ़ा, इसके बाद हमें देखेंगे हम लोग कि देशी बैंकर्स के दोष क्या है, ये दोष के उपाय क्या है, सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आपके लिए इतना ही, हम थोड़ा सा बगल हो जा रहे हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसके नोट्स आप तैयार कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट हमको लगा आपको ले लिए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप लॉकडाउन के अंदर अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि उसका वो लाभ उठा सकें।